एवरीवन खमागनी वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय टुडेज वीडियो। तो जो कि है पोशाक कलेक्शन पार्ट टू, और मेरा पोशाक कलेक्शन पार्ट वन आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और काफ़ी डिमांड भी आई थी कि आप पोशाक कलेक्शन पार्ट टू डालो। और पोस्ट बहुत जल्दी वीडियो करना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया शूट करने का, तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं पोशाक कलेक्शन फटाफट से शूट करके और आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। मतलब मेरे हर ब्लॉग के नीचे है ना सिर्फ एक ही कॉमेंट आता है कि पोशाक कलेक्शन पार्ट टू कब लेके आओगे, पार्ट टू कब लेके आओगे। और हाँ, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको वैसे पार्ट वन में भी बताया था और पार्ट टू में भी बता देती हूँ कि मेरी आधी मतलब यहाँ सिर्फ मेरी 10 पोशाकें थी जिसमें मैंने 5 आपको दिखा दी और 5 मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो बाकी की जो भी पोशाकें हैं मेरी, जैसे चांदी वाली पोशाक के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप सिल्वर वाली पोशाक को बहुत अच्छे से दिखाना और प्लीज़ उसको तो ज़रूर दिखाना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो वाली पोशाक मेरी ससुराल पड़ी है, तो जब मैं ससुराल जाऊँगी तो मैं वहाँ जो पोशाकें पड़ी हैं मैं उन सबका वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज मेरे पास कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था तो मैंने फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ। मतलब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, पहले मैं दिखा दूंगी और फिर एंड मतलब बीच में मैं आपके साथ में क्लिप ऐड कर दूंगी। और हाँ, इन सब पोशाकों की मेरे पास फ़ोटोज़ भी है तो मैं फ़ोटोज़ भी इस बार वीडियो में अटैच करने वाली हूँ। तो बिना और प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, और पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट पोशाक है ये वाली पिंक, बेबी पिंक कलर की पोशाक है ये। और वैसे ये वाली पोशाक मैंने पहले भी दिखा रखी है क्योंकि ये पोशाक मेरी सगाई में आई थी, तो मैंने जब पहले वीडियो बनाया था कि मेरे पास कौन कौन सी पोशाक है तो उसमें मैंने दिखा रखी है। लेकिन पहले आई थिंक एक साल पहले की बात है, लेकिन तब मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे ज़्यादा, और अब आज मेरे सारे नए सब्सक्राइबर हैं। तो मैं इसलिए सबको दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वो मतलब वो लोग पुराने वीडियोस मुझे पता है कोई नहीं दिखता जाके, अगर मैं बोलूँगी भी तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिखाई देती हूँ। तो फर्स्ट पोशाक है मेरी ये, तो ये वाली पोशाक मेरी सगाई में आई थी मैं इसको। तो ये है इसका लहंगा, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा आई थिंक। और वैसे मैं आगे और भी मतलब क्लिप ऐड कर दूँगी पूरी पोशाक का अच्छे से। तो ये है इसका लहंगा, मतलब पूरे लहंगे में काम है ऊपर से लेकर नीचे तक जैसा कि आप देख सकते हो। और है ना, मतलब गोल्डन वर्क के साथ इसमें ब्लू वाला काम है, मतलब जो कि बहुत सुंदर लगता है। और ये पोशाक मैंने मेरे भाई की शादी में पहनी भी थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा। तो और ये इसमें नीचे बॉर्डर है, और इस पोशाक के मैंने गोटा लगवा रखा है क्योंकि मम्मी ने लगाया था। ये है इसकी कुर्ती, आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी आई थिंक, अगर नहीं भी दिखे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो ये है इसकी कुर्ती, और ये है इसकी काशली। काशली ऑलमोस्ट सारी पोशाकों की सेम ही होती है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो सिर्फ ये बॉर्डर पे वर्क होता है, जो ये वाला वर्क है बॉर्डर पे। तो ये है इसकी काशली। और अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसका ओढ़ना। तो ये है इसका ओढ़ना जो कि बहुत प्यारा है, मतलब बहुत ही सुंदर भी लगता है पहनने के बाद में। इस पोशाक में मेरी फोटो है क्योंकि मैंने गंगा पे सारी पोशाकें पहनी थी, जितनी मेरे पास पोशाकें हैं मैंने एक भी नहीं छोड़ी पहनने से, तो मैंने सारी पोशाकें पहनी थी। तो ये है इसका ओढ़ना, और अभी आगे आपको पूरी अच्छे से क्लिप देखने को मिल जाएगी। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने इस पोशाक का वीडियो शूट किया था, पता है मुझे रामा कलर बहुत पसंद है, मतलब मेरी सगाई से पहले मुझे रामा कलर फेवरेट था मेरा रामा कलर। तो मैं मम्मी को बोलती हुई थी कि मेरी मम्मी मेरे को रामा कलर की पोशाक चाहिए, और मतलब कि माँ मेरे ससुराल की साइड से अपने आप रामा कलर की पोशाक आ गई। मैंने बताया भी था कि मेरे को रामा कलर की चाहिए, बट अपने आप ही मेरे लिए रामा कलर की पोशाक भेज दी जो कि बहुत सुंदर है ये पोशाक। और ये वाली पोशाक और मेरी ना सगाई वाली जो दोनों पोशाकें हैं दोनों सिली भी आई थी, और तो इसलिए तो ये है मेरी रामा कलर की पोशाक, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब इसका कलर ना आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, इतना सुंदर कलर है इसका। तो ये है इसका लहंगा, ये बॉर्डर पे कुछ ऐसा वर्क है और पूरे लहंगे में काम है। और ये है इसकी कुर्ती, तो ये है इसकी कुर्ती, बैक से कुछ ऐसी दिखती है और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। और
कांच में, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एज यूजल सारी कांचलियों में सेम वर्क होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। तो ये है इसकी कांचली, बॉर्डर पे है, और ये जो छोटी छोटी तारी का काम है ये वाला काम है, और ये है इसका ओढ़ना। तो ये है इसका ओढ़ना, मतलब ये बॉर्डर है पूरे ओढ़ने में, और ये वाला पल्लू पे वर्क है, तीन पल्लों पे जो वर्क होता है वो ये वाला वर्क है। तो ये वाली पोशाक भी मेरी सगाई वाली पोशाक है, तो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और एक पोशाक ना मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने मतलब उसको दिखाया था, बट मैं उसकी क्लिप ऐड करना भूल गई थी आप लोगों के साथ में, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा दिखा दूंगी। पोशाक है ये वाली, इसकी मैंने आप लोगों के साथ में पूरी क्लिप ऐड नहीं की थी, बस छोटा सा एक शॉर्ट ऐड किया था। तो आप लोगों ने मुझे कहा भी था कि आपने मेरे को आपने फर्स्ट वाली पोशाक नहीं दिखाई हमको, तो ये थी वो फर्स्ट वाली पोशाक। कौन सा कलर है कन्फ्यूज, उसे जामुनी कलर ही है आई थिंक। तो ये है फर्स्ट वाली पोशाक, और ये वाली पोशाक मुझे मेरे काकोसा ने मेरी शादी में दी थी, ये मेरी पसंद की है, मतलब मैं अपनी चॉइस से बनवा के आई थी। और काकोसा ने एक पोशाक और दी थी लेकिन मैंने अभी तक उसको सिलाई नहीं है। ये है इसकी कुर्ती, तो ये है इसकी कुर्ती। इस कुर्ती में कुछ ऐसा वर्क है कि मतलब बीच में एक कलश टाइप बना हुआ है, और साइड में मतलब कि जाल टाइप वाला काम है, और बॉर्डर पे काफ़ी मतलब नेक बॉर्डर पे काफ़ी हैवी काम है, और ये बैक से कुछ ऐसे दिखती है। और ये है इसकी काचली, और ये है इसका ओढ़ना, मतलब इसके ओढ़ने पे पल्लू पे कलश बना हुआ है, आई थिंक ये कलश ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कलश बना हुआ है। और पूरी ओढ़नी में इसमें जाल है, मतलब प्लेन ओढ़ना नहीं है, पूरी ओढ़नी में जाल है। और ये वाला कलर मम्मी ने भाभीसा को कराया था, मतलब भाभीसा की शादी, मम्मी ने भाभीसा को जो पोशाक दी थी वो इस कलर की दी थी। तो फिर मम्मी का था कि मेरे पास भी एक पोशाक इस कलर की होनी हो, फिर जब हम मेरे लिए काफ़ी दिखाई तो हमारी मम्मी ने कहा तो ये वाला ही कलर लेंगे। फोर्थ नंबर की ये वाली पोशाक ऑरेंज कलर की, मेरे पास है ना ऑलमोस्ट सारे कलर है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कलर रिपीटेड है या फिर कोई कलर नहीं है मेरे पास। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे पास सारे कलर है, हाँ बस मेरे पास एक ग्रीन कलर की पोशाक नहीं है जो कि मैं बनवा लूँगी। वैसे मैंने बनवाई थी ग्रीन, लेकिन वो बनी ग्रीन ही, उसको रामा में ही बना दिया था, मेरे पटले की पोशाक थी जो मैंने आपको पार्ट वन में दिखाई थी, लेकिन अब मैं ग्रीन कलर की पोशाक बनवाऊँगी इन फ्यूचर, अभी तो नहीं बनवाने वाली, इन फ्यूचर बनवाऊँगी। तो ये है फोर्थ नंबर की पोशाक, और ये वाली पोशाक भी आई थी मेरे सिंजारे में मेरे ससुराल से। तो ये वाली पोशाक का कपड़ा साटन नहीं है, ये आई थिंक प्योर बोलते हैं इसको, ये वो वाला कपड़ा है। और वैसे मेरी सारी पोशाकें साटन में है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये इसका लहंगा है, ये बहुत सुंदर पोशाक है, मतलब लाइट वेट सी है, कंफर्टेबल भी है पहनने में, बहुत सुंदर है। और इसके बाद में है ये इसकी कुर्ती, तो ये है इसकी कुर्ती, बैक से कुछ ऐसी है, मतलब ये ज़्यादा हैवी पोशाक नहीं है, लेकिन बहुत पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है, और मतलब वेट में मतलब हैवी भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। पता है आपके पास सारी पोशाकें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, दिखने में सुंदर हो, दिखने में पता है हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन कम्फर्ट भी पहले होता है इंसान का। और ये इसकी काशी है, इसका ओढ़ना, और इसके ओढ़ने में पूरे ओढ़ने में जाल है, और इसमें है ना कुंदन का काम है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो इसमें ये कुंदन का काम है, मतलब डिफरेंट है, मेरी और किसी पोशाक में कुंदन का काम नहीं है, सिर्फ इसी पोशाक में है। और इसमें है ना ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आप लोग दिख सकते हो पास से, ये देखिए, तो इसमें है ना ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि बहुत सुंदर है। ये फिफ्थ नंबर की पोशाक, तो ये पोशाक मुझे ससुराल साइड से है, मतलब कि शायद ये जोधपुर वाले मास्टर साहब ने दी थी मुझे, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये वाली पोशाक है, ये भी साटन में है, ये बहुत सुंदर है, ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं था, अच्छा हुआ आ गया। तो ये है इसका लहंगा कुछ ऐसा, और नीचे मतलब बॉर्डर पे कुछ ऐसा है, और इसमें मतलब तारी और चीड़ का काम है,
इसमें चीट वाला काम है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें चीट वाला काम है। तो ये है इसकी कुर्ती, बैक से कुछ ऐसे दिख रही है और एज यूजुअल कास्टली सबकी सेम ही होती है दिखाने से। ये है इसका ओढ़ना, तो ये पोशाक भी पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। सारी मैंने गंगौर पे ही सिलाई थी, जो नहीं सिली हुई थी क्योंकि मुझे सब पहननी थी, एक एक दिन नई पोशाक पहनी थी मैंने, सारी 16 दिन नई पोशाक पहनी थी। इसलिए लास्ट पोशाक आती है मेरी, लास्ट तो नहीं है वैसे, मतलब और पोशाक है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट है वो पोशाक आती है, वो है मेरी ग्रे कलर की पोशाक। और सच में इस पोशाक को पहनने के बाद जो लुक आता है ना यार, सीरियसली मतलब एक अल्टीमेटली आपका लुक चेंज हो जाता है पूरा, बहुत सुंदर। ये है मेरी ग्रे कलर की पोशाक, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है यार। मतलब इसका वर्क भी है ना सबसे डिफरेंट है, क्योंकि आपने भी खुद ने देखा होगा कि मेरी सारी पोशाकों में मतलब ऐसे भरा भरा काम है, जाल वाला काम है, किसी में कुछ फ्लावर बने हुए हैं, कुछ और बने हुए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है ऐसा, इसमें ना बहुत सुंदर काम है। तो आप लोग देख सकते हो पास से, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। और ये इसका बॉर्डर, और ये गंदी इसलिए हो रखी है क्योंकि मैंने इसको गंगौर पे पहना था, नहीं इस मैंने इस पोशाक को पहना था मेरी संगीत में, और फिर उसके बाद मैंने गंगौर पे पहना था, फिर उसके बाद मैं एक शादी में गई थी तो मैंने वहाँ पे भी पहनी थी, तो इसलिए गंदी हो गई। और ये बहुत लाइट कलर है, तो ये ग्रे कलर है, बहुत सुंदर कलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब मेरी फेवरेट पोशाकों में से एक है ये वाली पोशाक। और इस पोशाक की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, वैसे मैंने वाली पोशाक करवाई थी मेरी प्री वेडिंग के लिए, कि मैं मेरी प्री वेडिंग पहनूंगी। मैंने दो पोशाकें करवाई थी प्री वेडिंग के लिए, एक वाली का मेरा लहंगा ख़राब हो गया है क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी, मैंने उसको ड्राई क्लीन पर दिया तो उसका लहंगा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब कि कुर्ती कास्टली अलग हो गए कलर में और लहंगा अलग हो गया, तो इसलिए वो पोशाक तो पड़ी है, उसको मैंने सिर्फ प्री वेडिंग में पहना था, उसके बाद मैंने पहना भी नहीं उसको। तो बनवाई तो मैंने ये थी प्री वेडिंग के लिए, और वो भी बनवाई थी, लेकिन फोटोग्राफर का कहना था कि ये बहुत लाइट कलर है तो ये फोटो में और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो उसने कहा कि आप ये वाली तो अवॉइड करो और वो दूसरी वाली पहनो। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको वैसे भी पहना है तो मेरे को तो बहुत सुंदर लगती है। और अभी मैं फ़ोटो अटैच करूँगी साइड में, तो आप लोग देख लेना ये कितनी सुंदर पोशाक है। और ये है इसकी सेकेंड, ये है इसकी कुर्ती। मतलब आप लोगों को भी देखने में लग रहा होगा कि ये पोशाक सबसे डिफरेंट है और इसका वर्क भी डिफरेंट है। और वैसे पता है इस पोशाक को जब मैंने बनवाई थी ना, तो मेरे साथ सिलने में बहुत बड़ी चोट करती थी, इसका लहंगा मैंने छोटा कर दिया था, जो कि आपको जॉइंट भी दिख रहा होगा ये वाला जॉइंट, क्योंकि बहुत छोटा लहंगा कर दिया था और कुर्ती भी बहुत ज़्यादा लंबी कर दी थी। बट कुर्ती तो चलो ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, तो कुर्ती तो मैंने पहन के काम चला लिया। और ये है इसकी कांचली, देख सकते हो आप बहुत सुंदर है इसकी कांचली। और इसका ओढ़ना नहीं है, इसका ओढ़ना आई थिंक मैंने बाकी ओढ़नों के साथ ससुराल चला गया, तो मैंने पूरे घर में इसका ओढ़ना ढूंढ लिया लेकिन इसका नहीं है, और वो वहीं पड़ा होगा। तो आप लोग बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छी पोशाक कौन सी लगी। और है ना, आप लोग है ना मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हो कि इसकी रेट क्या है, उसकी रेट क्या है, तो यार देखो मतलब मेरे को जिसकी रेट से याद थी वो मैंने बता दी थी आपको, और इसकी वो रेट मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये ओनली 10,000 की पोशाक है, आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे कि 10,000 में ये पोशाक बन सकती क्या, लेकिन सच में यार ये 10,000 की पोशाक है, बहुत सुंदर पाए। और बाकी पोशाकों की मुझे रेट का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि सब ससुराल की है, और एक जो काकोसा वाली है वो 20,000 की है। और पता है लास्ट एक पोशाक वाले वीडियो के लिए जो कमेंट भी आया था, वो उसमें मैंने मेरी सगाई वाली पोशाक की रेट बताई थी 25,000, तो मेरे पास कमेंट आया था कि 25,000 टू मच नहीं है। तो देखो मैं यहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ कि मेरी पोशाक इतने की है या इतने की है, जो राजपूत है उन सबको पता है कि पोशाक इतनी महंगी आती है, कोई सस्ती नहीं आती है। और ब्राइड वाली पोशाक तो 50,000 की आती है, और चांदी वाली पोशाक तो और भी महंगी आती है। तो मैं यहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि मैं जानबूझ के रेट्स हाई बता रही हूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जितनी की है उतना ही बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ना गलत मत लिया करो, और इसलिए
वैसे मैं उन पार्ट वन में मुझे जिसकी रेट्स पता थी मैंने आप सबको बता दी, और इसमें मुझे किसी की रेट्स पता नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ आपको। इसकी मुझे पता थी और एक जिसकी पता थी वो मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। और मतलब जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना, और इस टाइम पे मैं जो मेहनत कर रही हूँ ना, मेरा जी जानता है कि मैं कैसे ब्लॉग बनाती हूँ, कैसे वीडियो शूट करती हूँ। मतलब अभी आप देख सकते हो मेरे साइड में बखेरा भी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब मुझे वापस समेटना भी होता है, तैयार हुई हूँ वापस चेंज भी करना होता है। तो प्लीज़ एक दो लाइक तो कर दिया करो। मतलब पता है एक कॉमेंट भी आ रहा था कि आपके व्यूज़ तो इतने हैं लेकिन लाइक इतने से हैं, तो मैंने बोला यार करती नहीं है पब्लिक, मैं क्या करूँ। आप लोग देखते हो तो सिर्फ एक आपको सिर्फ क्लिक ही तो करना पड़ता है, कर लिया करो। और ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके सब्सक्राइबर नहीं है फिर भी आपके वीडियोस देख के चल जाते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जब आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आपको तो मेरी आवाज़ से पता भी लग रहा होगा कि मेरी सांस कैसे फूल रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मेरे को वीडियो शूट करना ही है और आप लोगों को पार्ट टू दिखाना है। इसी के साथ एंड करते हैं इस पोशाक कलेक्शन पार्ट टू को, और पार्ट थ्री भी आएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग अब जल्दी मत करना मुझसे पार्ट थ्री की, क्योंकि मैं जब ससुराल जाऊंगी तब ही पार्ट थ्री बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता। सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बिल्कुल भी जल्दी मत करना कि पार्ट थ्री डालो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पोशाकें मंगवा के यहाँ शूट कर दूँ, नहीं यार इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं वहीं शूट करके और वहीं मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो आपको ये पार्ट टू कैसा लगा, और इसमें से जो आपको फेवरेट पोशाक लगी उसके लिए भी कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पक्का शेयर करना, और जो ब्राइड टू बी है उसको तो पक्का शेयर करना, उसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। या आपके लिए भी शादी है कोई घर में तो आप लोग भी प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।